नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रीना झाबालियान। प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे स्वयंवर पर संग्राम और मंत्रियों में मतभेद की। सरकार कहती है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन गाहे बगाहे अंदर खाने से कुछ ना कुछ बाहर निकल ही आता है, जिससे सरकार की किरकिरी होना तय है। पहले सरकार के दो मंत्री हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे की लड़ाई ने सरकार पर सवाल उठाए, और अब एक बार फिर सरकार के दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ, अब सतपाल महाराज और रेखा आर्य के बीच तलवार खींच चुकी है और वजह है बकरी स्वयंवर। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। बकरी स्वयंवर पर संग्रह, मंत्रियों में गहराया मतभेद। हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे के बीच का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सतपाल महाराज और रेखा आर्य के बीच ठन गई है। बकरी स्वयंवर को लेकर दोनों मंत्रियों के बीच संग्राम शुरू हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला यानी बकरी स्वयंवर विवाद है क्या। दरअसल धनौल्टी में गोट विलेज संस्था की ओर से पर्यटन और पशुपालन को बढ़ावा देने के मकसद से कुछ सालों से बकरी स्वयंवर होता रहा है। इस बार भी 23 से 24 फरवरी को ये होना है। पशुपालन को बढ़ावा देने के मकसद से मंत्री रेखा आर्य ने अपने माथत आने वाले पशुपालन विभाग को भी इसमें जोड़ने का फैसला किया, लेकिन महाराज को ये फैसला जचा नहीं। इसी बात पर दोनों मंत्रियों के बीच तलवारें खींच गई है। सतपाल महाराज को बकरियों के स्वयंवर का मामला इतना नागवारा गुजरा कि उन्होंने अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी कर दिया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप बकरी की नस्ल को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका हम कुछ नहीं कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका होना भी चाहिए। जानवरों की नस्ल बढ़ाने के लिए आप करिए, पर इसमें अगर वैदिक मंत्रों का आप उल्लेख करते हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि एक संस्कृति मंत्री होने के नाते मेरा ये भी कर्तव्य है कि हमारी परंपराओं को, हमारे वेद मंत्रों की रक्षा हो, उनका सम्मान हो, यही मैं चाहता हूँ और यही मेरा विनम्र आग्रह है। बकरी स्वयंवर पर भड़के सतपाल महाराज पशुपालन को बढ़ावा दिए जाने के तो हिमायती हैं ही, उन्हें इस बात से भी कोई तकलीफ नहीं कि पशुपालन को बढ़ावा मिले, लेकिन मंत्रोच्चार के बीच बकरियों का ब्याह उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं। वो इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। उनके मुताबिक इस तरह के कार्यक्रम हमारी तहजीब का मजाक बनाएंगे। उधर रेखा आर्य भले ही सियासत और सरकार में अपने से सीनियर महाराज से मतभेद और बकरी ब्याह पर उनके एतराज से इनकार करती हो, लेकिन जिस तरह सोमवार को बकरी स्वयंवर पर उनके मीडिया से मुखातिब होने का मामला सुबह 11:30 से शाम 4 बजे तक टला और फिर जिस तर्ज पर इसे रद्द किया गया, वो साफ तौर पर सतपाल महाराज की नाराजगी पर ही मुहर लगा रहा है। समझती हूँ कि मंत्र का मतलब ये होता है जो मनुष्य को इंसान बना दे, इंसान को देव बना दे, और जो जानवर हो उसे इंसान बना दे। जानकारी मिली कि इस प्रकार के कार्यक्रम पूर्व में हुए हैं, और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं किसी की बात का विरोध नहीं कहूँगी, बस भाई जब हम राम नाम भी एक मंत्र है और उसका रटन जब पोता करता है तो क्या उसको नहीं करना चाहिए। पहले दमयंती के मामले पर हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे के बीच मूंछ की लड़ाई लड़ी गई। अब महाराज और रेखा के बीच बकरी विवाह पर विवाद, दोनों ने सरकार की टेंशन बढ़ाने का काम किया। हो सकता है बकरियों के स्वयंवर का संग्राम जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इन दोनों प्रकरणों से ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन मंत्रियों के बीच संवाद और सामंजस्य की इतनी कमी क्यों है कि आखिर हर बार एक फैसला ले लेता है तो दूसरा मुंह फुला लेता है। क्यों नहीं ये पहले ही अपने उन साथी मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं जिनका मामले से सीधा या किसी भी किस्म का वास्ता हो। क्या इनका अहम आड़े आ जाता है? इन मंत्रियों को ये समझना होगा कि इस तरह के मामले जग जाहिर होने से जनता के बीच तो गलत संदेश जाता ही है, साथ ही उनकी आपसी खटपट सरकार की भी किरकिरी कराती है। स्पेशल डेस्क HNN 24x7। बिल्कुल, तो किस तरीके से एक बार फिर सरकार के जो दो मंत्री हैं वो आमने सामने आ गए हैं। बकरी स्वयंवर के मामले को लेकर संग्राम जो है वो छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। दिगंबर सिंह नेगी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी है, मैम आपका भी बहुत स्वागत। डीके पाल जी हमारे साथ यूकेडी से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। और विशाल चौधरी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में।
चर्चा आज हम इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि आखिर सरकार के मंत्रियों को हो क्या गया है, एक एक करके किस तरीके से मंत्रियों के बीच मतभेद जो है वो खुलकर अब सामने आने लगे हैं, सार्वजनिक हो जाता है, कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी है। दिगंबर सिंह नेगी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आखिर क्या हो गया है सरकार के मंत्रियों को? रीना जी, आज ये जो आपके टीवी चैनल में बकरी के स्वयंवर के विषय पे डिबेट का आयोजन किया गया है, ये मीडिया के द्वारा बनाया गया तिल का ताड़ मात्र है। और इसमें कहीं पर भी दोनों मंत्रियों की बातों से ये नहीं लगता है जो अभी आपने दिगंबर सिंह नेगी जी बहुत अजीब बात कर रहे हैं, बहुत अजीब बात कर रहे हैं। किसी प्रकार का मतभेद जो है सरकार के मंत्रियों के बीच में है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बयान हमने आपको दोनों मंत्रियों के सुना दिए, फिर आप ये कह रहे हैं कि मीडिया पर आप आरोप लगा रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए, जहाँ पर अभी आपने भी देखा, सतपाल महाराज जी ने कहा कि वो संस्कृति मंत्री हैं, और जब बकरी स्वयंवर की बात आई तो उन्होंने कहा ठीक है, पशुपालन वृद्धि होनी चाहिए, उसमें हर एक पशु का जो है नस्ल है उसमें सुधार होना चाहिए। आप जवाब दागते रहे और सवाल का जवाब ना सुने, ये नहीं चलेगा ना कि आप केवल जवाब ना सुने और केवल सवाल दागे। आप सवाल दागती रहे और जवाब ना सुने, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा मैडम, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ सुन लीजिए, जवाब दीजिए। हाँ तो उसमें स्पष्ट रूप से सतपाल महाराज जी ने कहा है कि हम जो है पशुओं की नस्ल सुधार में विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि इससे जो है कृषकों की आय बढ़नी चाहिए, उनके जीवन में संपन्नता आनी चाहिए। परंतु वहीं जो संस्था जो इस कार्यक्रम को करा रही है उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये देवभूमि है, यहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति है और पशुओं के साथ मनुष्यों की तुलना नहीं की जा सकती है। और ये वैशिष्ट्य है मानव सभ्यता का कि आज मानव सभ्यता की इस पृथ्वी के अंदर सबसे उत्कृष्ट सभ्यता में मानव सभ्यता आती है, और अगर उसकी तुलना जानवरों से होगी तो आप सोच सकती है कि फिर मनुष्य और जानवरों तो कोई भेद ही नहीं बचेगा। ठीक है, रेखा आर्य का भी बयान सुनाना सर आपने। हाँ, अब रेखा मंत्र की परिभाषा बता दी उन्होंने, मंत्र की परिभाषा। अब देखिए, मंत्र की परिभाषा रेखा आर्य जी को जितनी समझ है उस हिसाब से उन्होंने बताई है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने अपने विभाग के विषय में उन्होंने जो बात की, ठीक है कि वो उनका एक कार्यक्रम है, उनके लिए वो एक इवेंट है बेसिकली, और वो जो एनजीओ जिस जो इस कार्यक्रम को चला रहा है वो एक इवेंट है। बचाव तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बचाव करूं तो कैसे करूं। मैडम, मैं तो आपके बिल्कुल विश्लेषण करके बता रहा हूं। वापस आऊंगी गरिमा जी। देखिए रीना जी, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है ये कि जहाँ नेता रोल मॉडल होने चाहिए, मंत्री विधायकों की तरफ उनकी एक ऐसी छवि या ऐसा उनका व्यक्तित्व होना चाहिए कि हर युवा को लगे कि हमको भी अपने देश के विकास में भागीदार बनना है, कल को हमको भी नीति निर्माता बनना है, कल को हमको भी राजनेता बनना है। ऐसा एक इंस्पिरेशन उन लोगों ने अपने युवा वर्ग के लिए पैदा या खड़ा करना चाहिए। ऐसे में हमारा प्रदेश जो है देवभूमि से दंगल भूमि बन चुका है। आज से नहीं, जिस दिन से शपथ ली है इस सरकार ने, मैं आपको सिलसिलेवार गिनाती हूँ। सबसे पहले दंगल हुआ कैबिनेट की मीटिंग में सतपाल महाराज और हरक सिंह जी के बीच में, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में दोनों की इतनी तूतू मैं हुई और दोनों ने बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का लिहाज नहीं किया। दूसरा दंगल हुआ प्रकाश पंजी और मदन कौशिक जी के बीच में प्रवक्ता पद को लेके कि सरकारी प्रवक्ता कौन बनेगा। तीसरा दंगल हुआ सतपाल महाराज जी और मदन कौशिक जी के समर्थकों के बीच में, आपने सबने देखा। चौथा दंगल हुआ चमोली जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में कि चमोली जी ने किस तरह से पब्लिकली गरियाया मुख्यमंत्री जी को, वो सबने देखा। चौथा पांचवा हुआ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और यतीश्वरानंदी जी के आश्रम में जो समर्थकों के बीच में लठबाजी हुई, और अब आप देख रहे हैं अरविंद पांडे जी और हरक सिंह जी का दमयंती रावत जी को लेकर क्या पूरा विवाद हो रहा है, और ये अब नया प्रकरण है। तो लगभग 8 से 10 प्रकरण हो चुके। अगर एक दो प्रकरण होते तो चलो हम कहते कि अभी संदेह की स्थिति बनी हुई है, अभी सरकार संभलने की स्थिति में है, या शायद ये टीथिंग प्रॉब्लम जिसको कहते हैं कि शायद अभी बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हलचल है। भारतीय जनता पार्टी के बात पूरी कर लूं प्लीज, लेंस लगा करके बायोस्कोप लगा करके देख करके अपने अनुशासित रखेंगे घाव पे मरहम लगाने का काम कर रही है। कांग्रेस को ये नहीं दिखाई दे रहा है अनुशासन मत बिगाड़िए।
रीना जी देखिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर के भाग गए, वक्ता को बोलने से विधायक मैं बड़े शांति से पार्टी छोड़कर के भाग गए। आप केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब भी तो सुनिए, उन आरोपों का जवाब भी सुनिए कि आपकी पार्टी का एक मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़कर चला गया, आपकी पार्टी के 10 विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए और आप जो है छत्रानुवैसी काम कर रही है, केवल छेद ढूंढ रही है हमारी पार्टी के अंदर। क्या कांग्रेस पार्टी का काम केवल दूसरे के घर में काम घाट करना रह गया है? आप अपनी बात कर चुके हैं, अनुशासन मत चाहिए डिबेट का, ऐसे तो सब एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो डिबेट में कुछ निकल जाएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल मैं आप पूछना चाहती हूँ आपसे, अभी तक तो मैं इस प्रदेश की जो यथास्थिति है, वस्तु स्थिति है, वो सबके सामने रख रही थी कि आज प्रदेश में केवल आत्महत्याएं नहीं हो रही है, इस प्रदेश में और बहुत कुछ हो रहा है जो खिचड़ी पक रही है। जिनका काम विकास का होना चाहिए था, आज वो आपस में ही सिर्फ उटावल कर रहे हैं, तो विकास क्या का क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। नेगी जी से मेरा प्रश्न ये है कि नेगी जी यहाँ पर बचाओ सतपाल महाराज का कर रहे थे या रेखा आर्या जी का कर रहे थे, ये है किस तरफ, पहले तो यही साफ नहीं हो पाया। एक तरफ ये सतपाल महाराज की साइड ले रहे हैं, पार्टी की तरफ हूं। ये रेखा आर्या जी का मजाक उड़ा रहे हैं, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, मंत्रों का के बारे में आज एक छोटे से विषय का जो कि एक इवेंट है, एक छोटा सा इवेंट है, ये बताइए उसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आप ये बता दीजिए। बकरियों का स्वयंवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप बकरियों का स्वयंवर में किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चार का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। अच्छा पार्टी की लाइन है तो फिर रेखा आर्या जी पार्टी की लाइन से इतर चल रही हैं? वो एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वो एक संस्था का इवेंट है, आप इस बात को भी देखिए। बैक्ड बाय यू, नॉट बैक बाय अस, बट इट इज नॉट बैक बाय अस, सारे मंत्री उसमें उपस्थित हैं, जस्ट एन इवेंट। जब आप किसी इवेंट में उपस्थित होते हैं तो आपकी नॉट अ गवर्नमेंट, नॉट अ गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन है तो आपके मंत्री क्यों शामिल हो रहे हैं उसमें? सुबोध उनियाल जी एज अ कृषि मंत्री वहाँ मुख्य अतिथि होंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। गरिमा जी ये अभी स्पष्ट नहीं है, इट्स अ साइलेंट, ये अभी स्पष्ट नहीं है कि जाएंगे नहीं जाएंगे। आप मंत्रों उच्चारण को हरी झंडी दे रहे हैं। सतपाल महाराज जी क्योंकि एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, अगर उन्होंने इस बात को उठाया है तो बहुत प्रामाणिकता के साथ हमें मत समझाइए, ये रेखा आर्या जी को समझाइए, हम तो सब समझे समझाए हैं। जी जी जी, आप समझे समझाए हैं, आप रेखा आर्या जी को समझाइए, बहुत अच्छी बात है, उनको ये समझाइए कि महिलाओं के कल्याण के लिए क्या कर रही है, रेखा आर्या जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। बकरियों का स्वयंवर करके किसका विकास होगा? बेटियों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपका नारा है, आप बेटियों का क्या विकास कर रहे हो ये बकरी के स्वयंवर से? रेखा आर्या जी का मुझे लग रहा है फोकस बिगड़ रहा है कहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मंत्री किस लिए बनाई गई हूँ, तो कहाँ से कहाँ आप बात को ले जा रहे हैं। अपनी मंत्री को आपको समझाने की जरूरत है कि मंत्रोच्चारण नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना इस पूरे प्रकरण में यह है कि सुबोध उनियाल जी जो मुख्य अतिथि बनाए जा रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे प्रकरण की जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई प्रपोजल मुख्य अतिथि का नहीं आया हुआ है। सबसे बड़ी इसमें इसका मतलब है। वो नहीं जा रहे हैं जब उनको तो ये जा, अगर वो जाते हैं तो उनके प्रोटोकॉल में लिखा गया होता, गरिमा जी और प्रोटोकॉल में लिखा गया होता, जब उनके प्रोटोकॉल में नहीं है तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ जो आप कह रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ जो आप, अभी तो आप कह रही थी वो जा रहे हैं, समन्वय नहीं, अभी आप कह रही थी कि वो जा रहे हैं, अभी आप कह रही की नहीं जा रहे हैं। आर्या जी का बयान है कि चौबीस तारीख को क्लियर हो जाएगा कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, लेकिन मुद्दा तो यहाँ पर ये है ना कि आखिर मंत्रियों के बीच ठंती नजर क्यों आ रही है, आखिर तालमेल क्यों नहीं दिख रहा है दोनों मंत्रियों के बीच में। डीके पाल जी आप किस तरीके से समझ रहे हैं इसे, क्योंकि पहला मामला नहीं है जो इस तरीके से सामने आया हो, पिछले कुछ दिनों पहले ही आपने भी देखा होगा हरक सिंह रावत और अरविंद पांडे किस तरीके से दोनों के बीच तलवारें जो है खिस्ती चली आई थी, किस तरीके से अनबन की बातें जो है सामने आ गई थी, अब एक बार फिर दो मंत्री आमने सामने आ गए हैं। देखिए इसमें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता दिगंबर नेगी जी ने दो बात कही मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर। एक तो उन्होंने कहा कि ये विशेष संस्कृति है इस राज्य की, पहली बात तो ये विशेष संस्कृति नहीं है, दूसरा उन्होंने उसी में अपना आप सुधार किया, क्या किया या भूल गए थे वो पहले बोलना, उन्होंने कहा कि ये एक मात्र एक संस्था का इवेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि लोकल शादी का जो लोकल संस्कृति है, आप इसको ग्रहण कीजिए पाल साहब, ये मैंने ये कहा उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की एक विशिष्ट संस्कृति है, उसके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि बकरियों का स्वयंवर कराना यहाँ की संस्कृति है। दोनों बातें आपने कही है, नहीं कही, आप इसको जरा रिपीट कीजिए, मैंने जरा इसको दोबारा दिखाइए, मैंने कहा ये नहीं कहा इसको, आप 5 मिनट में स्टूडियो में बैठ के भूल जाते हैं तो बाहर जाके क्या करेंगे पाल साहब। ये देवभूमि है, ये
संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम संस्कृति, भारत की संस्कृति से, मैं पूरे राज्य की संस्कृति से बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की संस्कृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम इस तरह की संस्कृतियाँ हैं जिस पर राज्य सरकार का किसी भी प्रकार से ध्यान जाता ही नहीं है, चाहे वो डोली संस्कृति हो, चाहे वो तमाम संस्कृतियाँ हों। हमारे यहाँ मंदिरों को बचाने की बजाय उन पर राजनीतिकरण करने का काम करती है कांग्रेस और भाजपा। ये संस्कृति बचाने वाले लोग नहीं है, न ये सरकार की मंशा है कि हम संस्कृति को बचाने का काम करें। पॉल साहब, और आप अपनी पार्टी बचा लो पहले, हम सब बच जाएगा। पॉल साहब अपनी पार्टी बचाइए, जनता जनार्दन है बचाने वाली। संस्कृति पर मजाक मत करिए आप बैठ करके यहाँ पे, ये मजाक का मामला नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा और मीडिया लेकर के आई है। और आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं नेगी जी, आप मिथ्या आरोप लगाएंगे, हम सुनते जाएंगे। एकमात्र ये मात्र केवल मीडिया का एक बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, नहीं। अरे बकरी स्वयंवर आप बनाइए, एक संस्था के माध्यम से बनाइए। जब बकरी स्वयंवर को आप मिथ्या बता रहे हैं तो आप उसमें आपके मंत्री वहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं इस राज्य के साथ में? आप विकास की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, अब तमाम सारी चीजें सामने हैं, आप बातों को मुद्दे पर रखिए। पहली बात तो ये राज्य की संस्कृति का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन मंत्रियों के आपस में अंदर की जो लड़ाई का जो मामला है वो धीरे 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 उभर के सामने आ रहा है। इस बात को समझने का मामला है। के कितने टुकड़े हो गए ये आपने और इस प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और इसलिए आपको जो अपने घाव है वो दूसरों में भी नजर आते हैं कि काश इनके भी ऐसे घाव होते। राज्य की संस्कृति को बचाने का सवाल है, तो इसलिए आप पहले यही तय करिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपने मंत्री कल भी थे सतपाल महाराज जी के साथ जा रहे हैं, इसलिए आप आर्य जी के साथ खड़े हैं, आपको यही पता नहीं है? आप अपनी पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं, हमसे मत कीजिए। आप समझिए बात को, आपके अध्यक्ष जी स्वयंवर धारी देवी पे संघर्ष कर रहा था, होने वाला उसको डुबाने की बात करते थे, संस्कृति आपके अध्यक्ष जी कहने के पकड़े हैं, कान में पानी डाला, इसलिए उसने गर्दन ऐसे की है, ये मत करिए, इसलिए जो है मना हुआ है देगी। आप जैसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहता, पहले अपने मंत्रियों को संभालिए, अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी की संस्कृति जिस तरह से बाहर निकल करके आ रही है, ये आप सरकार से, सरकार के मुख्यमंत्री से, तमाम यहाँ के संगठन से, भाजपा के संभल नहीं रहा है और वो फूट फूट के सामने आ रहा है। बहुत जल्दी यहाँ पर फिर एक नई मुख्यमंत्री की खोज का कार्यक्रम शुरू होगा, जहाँ तक मुझे प्रतीत हो रहा है। अभी तक इस 15 साल के 17 साल के राज्य में 8 मुख्यमंत्री 9 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अब आगे कितनी लाइन होगी ये सिर्फ उसकी लड़ाई है और वो सामने निकल के आ रही है, इसमें मैं और ज़्यादा इस बारे में नहीं कुछ कहना। विशाल चौधरी जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? रीना जी, एक बड़ा स्पष्ट संदेश उत्तराखंड की राजनीति में जा रहा है कि सरकार के बीच में मंत्रियों के कोई समन्वय नहीं है। इससे स्पष्ट संदेश जा रहा है कि अनुभवहीन सरकार है, और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। सरकार अनुभवहीन है ऐसा ही नहीं, संगठन भी अनुभवहीन है, और ये जो समन्वयता की कमी आप संगठन और सरकार के बीच में भी दे सकते हैं। आप इसका हमें संगठन सिखाएंगे? एक तथ्य मैं आपको दे देना चाहता हूं कि योगेंद्र यादव के साथ क्या हुआ, जरा ये पूछिए जरा। फिर आप लोग, आप लोगों के साथ क्या हुआ पूछिए जरा, कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ, और कुमार विश्वास कविता के मंचों से क्या क्या गाना गा रहे हैं, जरा ये भी सुनिए जरा जाकर के आप हमको, ठीक है? पूरा YouTube, उसके बीच में अपनी बात को रोक कर कहना ये हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं है। आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, हमारी निंदा करेंगे, हम चुपचाप आपकी निंदा को सुनते रहेंगे? इसको मैं समझता हूँ कि दूसरे दिशा में भेज देते हैं, क्योंकि जब आपकी कहीं किरकिरी होती है तो आप इस तरीके की बातें करते हैं, स्वाभाविक है, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं कि खेल संघ के पदाधिकारी इस राज्य की अंदर महिलाओं का शोषण करते हैं, ये बात मुख्यमंत्री को पता नहीं होती। आपके प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि हमने 12 लाख रुपए प्रकाश पांडे जी के परिवार को मुआवजा राशि दे दिया, मुख्यमंत्री जी उसका खंडन करते हैं। आज आपके बीच में जो ये कांग्रेस के रिजेक्टेड प्रोडक्ट जो आए हैं, ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट है कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, और ये स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 57 सीटें लेकर के प्रदेश में जो आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए थे, चौधरी साहब आप ये बताइए, अगर ये रिजेक्टेड माल है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 57 सीटों के साथ प्रदेश में सरकार बनाती है। ठीक है दिगंबर सिंह नेगी जी, कब तक आप लोग यही बात कहते रहेंगे 57 सीट 57 सीट? अरे ये तो देखिए कि सरकार के अंदर चल क्या रहा है, ये भी तो मायने रखता है कि नहीं रखता है? क्योंकि जहां पर पूरा माइंड होना चाहिए, पूरा जो है काम पर फोकस होना चाहिए, उसके बजाय आपके जो मंत्री आपस में ही यहां पर जी मैं अवगत करा देना चाहूंगा, लेकिन पक्ष क्या है इस पूरे मामले में, राज्य के अंदर आपके पास नहीं है? सब नॉर्मल तरीके से अच्छी प्रकार से सरकार आगे बढ़ रही है, विकास की दृष्टि से काम हो रहे हैं, आप अपने मंत्रालयों में सभी मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ठीक प्रकार से प्राप्त है, तो इसलिए आप और बहुत ज्यादा चिंता भी मत करिए, आप भी सहयोग करिए उस रूप में। दिखती है हमें तो कुछ दिखती नहीं है, अब आपस में सलाह मशवरा कर कोई बात करता उसको तनातनी आप कहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ मुझे नजर नहीं आता, नहीं मुझे तो कोई नजर नहीं आता ऐसा कुछ है। देखिए अलग अलग मंत्री हैं, वो अपने विभागों के कामकाज की समीक्षा की जगह उसके उसमें झांकने की जगह कि वहाँ कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे बेकार के विषयों पर उलझते हैं जिन विषयों से अब बकरी का स्वयंवर होगा या नहीं होगा इससे राज्य को क्या लाभ होने वाला है, और ये कौन सी परंपरा है, हमने तो आज तक सुनी नहीं। अब हमारी इतनी उम्र हो गई, इतनी राजनीति करते हो गई कि बकरी का स्वयंवर हो रहा है साहब, वो कह रहा है होना चाहिए, वो कह रहा है नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें जनता का ध्यान विकास के मुद्दे से हट। नेगी जी अब क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर काम पर फोकस होना चाहिए वो तो नजर नहीं आता। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल के सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में उत्तराखंड वर्ल्ड सिनेरियो में आ रहा है, ऑल वेदर रोड इस पूरे उत्तराखंड को उससे जोड़ने जा रही है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ऋषिकेश जो आप हमारी उपलब्धि उसको क्यों नहीं सुनना चाहते आप लोग, जो रेलवे लाइन बरसों से बंद पड़ी है वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने जा रही है, भारत माला जो सड़क परियोजना सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने जा रही है, उससे जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है उत्तराखंड का टूरिज्म के सेक्टर में, वो पहली बार विश्व के पटल पर लोगों के लिए उपलब्ध होने वाला है, ये काम करना चाहिए इसीलिए। अब ये जो छोटी सी बात है स्वयंवर वाला विषय है, एक एनजीओ के विषय में आप लोग डिबेट करा रहे हैं, बताइए हमसे, और वो राव भाई रजाई के अंदर है, मुझे रजाई से बाहर निकाल के आए हैं, उसमें शामिल है नेगी जी, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? सरकार के दो दो बड़े मंत्री उस डिबेट में उस बकरी स्वयंवर में पूरी तरह से संलिप्त हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? एक कह रहे मंत्रोच्चार नहीं होगा, एक कह रहे मंत्रोच्चार होना चाहिए, राम रहीम रहीम, क्या बात कर रहे हैं नेगी जी? अरे नेगी जी क्या बात है विकास की बात कर बात नहीं बची तो आप बेचारे बकरी के पीछे पड़ गए, शुरू करेंगे अनुशासन हिंसा का एक बड़ा परिचय दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तो बकरी के पीछे पड़ गए, कुछ और नहीं मिला था आप लोगों को, दो मंत्री आपस में उनका गतिरोध चल रहा है, अरे भाई आप ये बताइए इन 9 महीने में एक भ्रष्टाचार का मामला ढूंढ के लाइए, आप मंत्री का पक्ष लूं, आप प्रवक्ता के रूप में ये तय नहीं कर पा रहे हैं मंत्री का पक्ष लूं, अब मुझे लगता है कि आप खुद पैसों का आप जो है बकरी के स्वयंवर कि मैं के मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो गई, आप बकरी का स्वयंवर हो या ना हो इससे प्रदेश की जनता को क्या लेना देना? हम इस मुद्दे पर थोड़ी बात कर रहे हैं सर, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना कि सरकार के जो दो मंत्री हैं वो आमने सामने आ गए हैं, ये बता दीजिए कि क्या मंत्रियों में कहां आ गए आमने सामने, बताइए कहां आ गए आमने सामने, सुना देते हैं उसके बाद भी आप इस तरीके से कहते हैं कि कहां आ गए, आपने एक आदमी से इंटरव्यू उसके घर में लिया, दूसरे आदमी से इंटरव्यू उसके घर में लिया, उनको क्या मालूम कि आपने इससे क्या पूछा और उससे क्या पूछा, डिबेट में भेजना था सर, डिबेट में भेजना कोई बात नहीं, नहीं, नहीं ये कोई बात नहीं, डिबेट में बिठाएंगे क्या दो मंत्रियों को, एक पार्टी के एक सत्ता के दो मंत्रियों को डिबेट में बिठाकर उनका आप मैं समझता हूँ वक्तव्य जानेंगे क्या? ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है नेगी जी, स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में फेलियर है, चौधरी साहब मंत्रियों को नहीं संभाल पा रहे हो, सुनना है तो कुमार विश्वास का सुनो, स्पष्टीकरण जो हर मंच पे गा गा के गा रहा है बेचारा, दो मंत्री भारतीय जनता पार्टी का दर्द नहीं सुनाई दे रहा आपको, 26 तारीख के बाद एक बड़ा भूषण का दर्द सुनो जो कोर्ट कचहरियों में गा रहा है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद जो है योगेंद्र यादव का दर्द सुनो की राजनीति में आप जो है बेचारी बकरी का लाल बत्ती बकरी के स्वयंवर में जा रहे हैं। विशाल जी आती हूं मैं, विशाल जी चौधरी जी बोलने तो दीजिए, देखिए बहुत हास्यास्पद
पूरा पूरी चर्चा हो रही है और दुख की बात ये है कि एक तरफ तो मंत्रियों ने मजाक बना दिया अपने अपने विभागों का और पूरी सरकार का जनता के सामने, दूसरी तरफ प्रवक्ता यहाँ भाजपा के ऐसे बैठे हैं जो अपना मजाक और उड़वा रहे हैं अपनी पार्टी का, ये कहकर कि राव भाई तो रजाई में सोए हैं और मुझे रजाई से बाहर ले जाए। आप लोगों ने वोट क्यों मांगा? क्या रजाई में सोने के लिए वोट मांगा आपने? मैडम आप काम करने के लिए वोट मांगा। डिबेट में कहा आप देखिए पहाड़ के अंदर जाकर के कितनी तेज गति से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। आप देखिए इस बात का, आप देखिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं ऑल वेदर रोड में कितना काम चल रहा है तेजी के साथ। उगाही करने में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अमित शाह जी आपकी सरकार में मुख्यमंत्री 5-5 करोड़ रुपए एक विधायक को देने के लिए खरीद रहा था। वो सीढ़ी उपलब्ध है, पूरे टीवी चैनलों में चली है वो सीढ़ी कि किस प्रकार से हरीश रावत जी 5-5 करोड़ रुपए दे रहे थे, कैसे विधायक को कह रहे थे कि लूट लो इस प्रदेश को परंतु मेरी कुर्सी को जिंदा रखो, मुझे कुर्सी में बैठे रहने दो। आपके मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी अपने विधायक को कह रहे थे केवल कुर्सी के लालच के लिए। जनता भी तो देखे, जनता भी तो देखे, जनता को दिख रही है।